नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, प्लस आपके लिए एक डिवाइन लव मैसेज कि डिवाइन की तरफ से आपको अपनी करंट सिचुएशन को रिसॉल्व करने के लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। सो हमारे पास तीन ब्यूटीफुल सिंबल्स हैं यहाँ पर। पहला जो सिंबल है ओम का, ओम इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। दूसरा जो सिंबल है वो है स्कार्ड जियोमेट्री का, ये सिंबल है मदर गाया की एनर्जी फील्ड का। तीसरा जो हमारे पास सिंबल है स्टार का, द स्टार इज़ अ सिंबल ऑफ डिवाइन यूनियन। लोअर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द फैमिली एनर्जी, अपर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मस्कुलिन एनर्जी। सो इट्स अ सिंबल ऑफ डिवाइन यूनियन। सो हमारे पास तीन सिंबल्स हैं, आप इन तीनों सिंबल्स को ध्यान से देखिए और इन तीनों सिंबल्स में से जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। आप 5 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हैं या इन सिंबल्स को ध्यान से देखिए, जो भी इन प्रेजेंट एनर्जी में आपको अट्रैक्ट करे उन्हें ही चुनिएगा। यह है ओम का सिंबल, यह है मदर गाया की एनर्जी फील्ड का सिंबल, तीसरा है स्टार का सिंबल। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सिंबल नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 ओम को चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, प्लस आपका डिवाइन मैसेज क्या है। तो जिन्होंने सिंबल ऑफ ओम को चुना है उनके लिए पहले जो डिवाइन मैसेज आया है, चलिए वो बाद में पढ़ेंगे जो आपके लिए डिवाइन मैसेज आया है, पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है द सन का कार्ड है। सो आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आने वाली है। आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि एक सनशाइन, एक रोशनी उन्हें आपकी तरफ से आती हुई दिखाई देती है। उनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एक अंधेरा सा है, लेकिन जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक तरीके की रोशनी नज़र आती है, एक सन नज़र आता है। आप उनकी ज़िंदगी में एक इनलाइटमेंट लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, एक न्यू बिगनिंग लेकर आए हैं। द लवर्स कार्ड, करंट एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है। इस टाइम पे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इट्स अ कनेक्शन ऑफ ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है और ये डिवाइन कनेक्शन है। आपका इस पर्सन के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये कनेक्शन ऐसा है जो गॉड की तरफ से गिफ्टेड कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस टाइम पे। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव, आपके साथ एक नया फ्यूचर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द सेवन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, सो आपके पर्सन के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है या फिर ये जो पर्सन है किसी धोखे से दूर भाग रहे हैं, किसी ने उनको धोखा दिया है। ये पर्सन किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं। करंट सिचुएशन ये है कि वो किसी एंडिंग से, किसी पेनफुल टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं या फिर किसी बहुत बड़े फैमिली इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ को इस टाइम पे झेल रहे हैं। कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई एंडिंग्स हैं उनकी लाइफ के अंदर। सो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये पर्सन इस टाइम पर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास मैनिफेस्ट हो गए हैं। बहुत ही जल्द आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे या फिर एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। करेंटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं और जो रोशनी इन्हें आपसे नज़र आती है वो रोशनी इन्हें कहीं नज़र नहीं आती। जो प्यार का एहसास इस टाइम पे ये कर रहे हैं, ऐसे प्यार का एहसास इन्होंने पहले कभी नहीं किया हो। लेकिन इस पर्सन के अपने कार्मिक इश्यूज़ हैं, कार्मिक डेप्थ हैं, बर्डन्स हैं और ये पर्सन राइट नाउ अपने कार्मिक डेप्थ से बाहर निकल रहे हैं। सो इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये आपके पास ज़रूर वापस आएंगे और एक न्यू बिगनिंग। एस ऑफ पेंटिकल आपके दोनों के रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग होगी। अब आपके लिए डिवाइन मैसेज है बेस्ट फ्रेंड्स, द व्हेन अ फ्रेंडशिप गो डीपर लव इज ब्लॉसम। सो जब भी दोस्ती डीप लेवल पे जाती है तभी प्यार ब्लॉसम होता है। इस पर्सन के साथ आपका जो सबसे पहला कनेक्शन है वो एज अ फ्रेंड कनेक्शन है, यानी कि ये पर्सन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि जब ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में तो आप इनके साथ कोई गुस्सा करना, झगड़ा करना नहीं करेंगे। आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करेंगे, इनकी जो कार्मिक सिचुएशन है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है, द ट्रू लव इज़ बेस्ड ऑन ट्रू फ्रेंडशिप, यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। आप दोनों के अंदर आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके के रोमांटिक लेवल पर नहीं है, वो इस टाइम पे एक फ्रेंडशिप वाले लेवल पर है।
सो व्हेन अ फ्रेंडशिप गो डीपर द लव इज ब्लॉसम. सो ये बहुत ही, आप दोनों एक दूसरे के टू बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं. सो ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेशन करेंगे, करंट एनर्जी इनकी यही है. और जब ये आपसे कम्युनिकेट करे तो आपको इनके ऊपर लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए. सो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है जिन्होंने सिंबल नंबर ओम को चुना है. प्लस आपके लिए है एंजल नंबर 666. सो यहाँ पे एंजल नंबर 666 का मतलब ही यही है, फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज. क्योंकि 666 एंजल नंबर दिखाता है फैमिली इश्यूज को, यानी कि आप दोनों की फैमिली में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं. हो सकता है आपकी फैमिली ना मान रही हो सकता है इनकी फैमिली ना मान रही हो. सो आप दोनों को ही फैमिली इश्यूज को हील करना है. तो एंजल नंबर 666 मींस हीलिंग द फैमिली इश्यूज. आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में सडन वेल्थ आ सकती है, न्यू जॉब प्रमोशन. क्योंकि राइट नाउ आप दोनों ही अपने फाइनेंसिस में जूझ रहे हैं, या फिर ये पर्सन अपने फाइनेंसिस में जूझ रहे हैं. तो इन अ फ्यूचर या फिर इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रमोशन. किसी तरीके का प्रमोशन मिल सकता है इन्हें, कोई जॉब मिल सकती है, या कोई भी तरीके की सक्सेस मिल सकती है. सो हैव पेशेंस, इस पर्सन के लिए पेशेंस रखिए और इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करिए. बहुत ही जल्द आपके पर्सन से आप दोबारा मिलने वाले, दोबारा कम्युनिकेट करने वाले हैं. लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है वो एज़ अ फ्रेंड के थ्रू ज़्यादा होगी. वो एज़ अ फ्रेंड की तरह आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, तब ये रिलेशनशिप वर्क करेगा. सो ये था आपके लिए डिवाइन मैसेज. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब देखते हैं जिन्होंने नेक्स्ट वाले को चुना है, मतलब जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यानी कि मदर गाय की एनर्जी को चुना है. हम आपका मैसेज लास्ट में पढ़ेंगे. आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है 7 of Pentacles का, यानी कि आपके जो पर्सन है करेंटली ही और शी इज़ इन इन्वेस्टिंग समथिंग. वो इस टाइम पे बहुत ही पेशेंस है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही पेशेंस है. या तो ये पर्सन इस टाइम पे किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर रहे हैं, या फिर अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स पे फोकस कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन का ध्यान सेविंग्स पर है. सो आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है. दूसरा जो कार्ड आया है द जगलिंग कार्ड आया है, तो आपके पर्सन दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं. उनकी लाइफ में स्टॉर्म्स चल रहा है इस टाइम पे. हो सकता है आप दोनों किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हों, हो सकता है आप एक कार्मिक सिचुएशन में हो, आप एक रिलेशनशिप में हो, और हो सकता है वो एक रिलेशनशिप में हो. सकता है आप दोनों ही किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो, या आप दोनों में से कोई एक किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो. सो इस टाइम पे ये पर्सन जगल कर रहे हैं, जगल बिटवीन अ टू थिंग्स. यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में जगलिंग चल रही है. इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा हो रहा है इस टाइम पे, इमोशनल मैनिपुलेशन चल रही है, स्ट्रॉन्ग फेस चल रहा है. दिस स्ट्रॉन्ग कैन बी इमोशनल स्ट्रॉन्ग, मेंटल स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग. सो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं. लेकिन ये पर्सन उन स्ट्रॉन्गों का सामना करके आपके पास आने वाले हैं. द नाइट ऑफ कप्स कार्ड. सो आपके आपके पास आ तो रहे हैं ये पर्सन, लेकिन काफ़ी स्लो है इनका एक्शन. ये पर्सन एकदम रेडी हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन आने से पहले ये अपनी लाइफ की, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं. क्योंकि इनकी खुद की लाइफ बिगड़ी पड़ी है, तो ये अपनी खुद की लाइफ में एक बैलेंस, एक अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि जब इनकी खुद की लाइफ में बैलेंस हो तब ये आपके पास आए. दूसरा जो कार्ड है 5 of Swords का कार्ड है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लॉसेस में है. इन्होंने पास्ट में किसी तरीके की बहुत बड़ी मिस्टेक्स की है, और इस मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्हें लॉस हुआ है. देर इज़ अ चांसेस कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बिट्रे किया है, धोखा किया है, आपको छोड़ के किसी कार्मिक रिलेशनशिप को चुना है. तो इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ही लॉस वाली एनर्जी में है. ये लॉस इमोशनल लॉस है, मेंटल लॉस या फाइनेंशियल लॉस. हो सकता है इन्होंने आपके अलावा किसी और को चुन लिया और अब ये नेगेटिविटी में जा रहे हैं. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुख में है, नेगेटिविटी में है. ये अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, प्लस अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स कर रहे हैं और आपके पास आने के लिए तैयार हैं. लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है. 333 आपका एंजल नंबर है. 333 का मतलब ये ट्रिनिटी कॉन्शियसनेस, यानी कि कोड ऑफ डिवाइन फैमिली. सो यहाँ पर एक बैलेंस, एक यूनियन. ट्रिनिटी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है यूनियन बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी कि हमारे तीनों चीज़ में बैलेंस हो. सेम वे ये पर्सन भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे. सेक्स,
सेक्स कार्ड आया, तो आपके जो पर्सन है उनका पास में किसी के साथ अफेयर रहा है या सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए, तो इस पर्सन पे किसी तरीके के सेक्सुअल सिन है। हो सकता है इस पर्सन को एडिक्शन इश्यूज हों, ये पर्सन पॉर्न देखते हों, या फिर एज अ प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हो, या फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो इस पर्सन के अपने सेक्सुअल सीन है, या तो आपके भी सेक्सुअल सीन हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के भी सेक्सुअल सीन हो सकते हैं। अब आपका जो मैसेज है, जिन्होंने मदर गाय की एनर्जी को चुना है, उनके लिए लव इज़ इन द एयर। आई एम कमिंग टू यू, आई फील योर लव इन डेप्थ ऑफ माई सोल। सो जैसे कि मैंने कहा था कि ये कनाइट एकदम तैयार है आपके पास आने के लिए, सो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ही और शी इज़ कमिंग। ये इस टाइम पे आपके जो ट्रू लव को ऐसा डीप लेवल पे फील कर रहे हैं। सो अभी इनकी लाइफ में ये सारे स्टॉर्म चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, इनके अपने कार्मिक लेसन चल रहे हैं, इनके सेक्सुअल कर्मा भी इन्वॉल्व है, या इनके अंदर खुद के एडिक्शन या कोडिपेंडेंसी वाले पैटर्न्स हैं, तो उन सबको रिजॉल्व करके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। जैसे इनकी लाइफ में बैलेंस होता है, ही इज़ कमिंग टुवर्ड टू यू। सो ये आपकी करंट एनर्जी, लव इज़ इन द एयर, यानी कि अब ये आपके प्यार की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, द एनर्जी ऑफ मदर गाया। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, उनके लिए क्या मैसेज है। सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टार को चुना है, उनके लिए पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड, द कम्प्लीशन कार्ड। सो आपके पर्सन आपको एक वर्ल्ड की तरह देखते हैं, यानी कि यू आर माई वर्ल्ड, आप ही मेरे लिए मेरी दुनिया हो। प्लस इसका मतलब ये भी है कि उनकी लाइफ में किसी तरीके की मेजर कार्मिक एंडिंग चल रही है, मेजर एंडिंग्स चल रही हैं इस टाइम पे। दूसरा जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही मोमेंटम वाली एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ही क्विकली आपके पास आने वाले हैं। आप इस पर्सन से विद इन अ फ्यू वीक्स में या विद इन अ फ्यू मंथ्स में कम्युनिकेशन आपका इनसे हो जाएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, करेंटली ही इज़ वर्किंग विद हिज फाइनेंसेस, ये अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है ये रात दिन पढ़ाई करते रहते हो, या फिर पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, या अपने बिजनेस में रहते हो, तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस टाइम पे। दिस पर्सन इज़ सीरियसली वेरी बिजी, इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, ये इतने ज़्यादा बिजी हैं। द फूल्स कार्ड, सो आपके जो पर्सन है आपके लिए कोई भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। यहाँ पर जो फूल है वो एजिस के ऊपर खड़ा हुआ है, तो फूल कार्ड एक मेजर ट्रम्प कार्ड होता है, यानी कि कोई भी कैसा भी रिस्क, यानी कि आपको पाने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वर्ल्ड वाली है, तो आपको पाने के लिए आपके पर्सन किसी भी तरीके का रिस्क ले सकते हैं। सो ही इज़ टेकिंग अ रिस्क आपके पास आने के लिए। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को पूरी तरह एंड कर दें, हो सकता है आपके पास आने के लिए ये अपनी स्टेट चेंज कर दें, या फिर कंट्री चेंज कर दें, हो सकता है दूसरी कंट्री के अंदर हो पर्सन, या फिर हो सकता है आपके पास आने के लिए ये अपने कल्चर, रिलीजन या फैमिली को छोड़ दें, क्योंकि यू आर द वर्ल्ड इस टाइम पर इनकी एनर्जी ये है, और आपको पाने के लिए ये कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, द रिस्क टेकर। 5757 आपका नंबर है, एंजल नंबर। सो यहाँ पर चेंज, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, करेंटली ये पर्सन बड़े चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हैं। प्लस आप इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी जो मेडिटेशन है या आपकी जो साधना है, जो भी तरीके की आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रही हैं और चेंज आप एक्सपीरियंस करेंगे। इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट, इंगेजमेंट एंड रीयूनियन, सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं, ये आपका एंजल नंबर है 5757। तो इन अ फ्यूचर जब ये आपके पास इस बार वापस आएंगे, तो आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट, इंगेजमेंट और रीयूनियन आपके इस पर्सन के साथ होने वाली है, ये करंट एनर्जी आपकी। अब आपका डिवाइन मैसेज है, डिवाइन यूनियन स्पिरिचुअल मैरिज, योर स्पिरिचुअल यूनियन मैनिफेस्टेड इन अ 3D वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही, देख के बताया कि आप इस 5757 आपका एंजल नंबर है, यानी कि आप बहुत बड़े चेंज और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, यानी कि आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आने वाले फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगी, यानी कि आपकी करीबी कोई भी साधना, कोई भी तपस्या वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी रीयूनियन होगी इस पर्सन के साथ, ये आपको दोबारा मिलेंगे, इंगेजमेंट होगी। तो इस टाइम पे आपकी जो स्पिरिचुअल यूनियन है,
आपकी इस पर्सन के साथ एक डिवाइन यूनियन होगी। आप करेंटली एक सेपरेशन फेस में हो, ये सेपरेशन फेस आप एंड करोगे, डिवाइन यूनियन स्पिरिचुअल मैरिज, और आपकी स्पिरिचुअल यूनियन 3D में मैनिफेस्ट होगी। सो इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करिएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ स्टार को चुना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।